नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 8 फरवरी 2023 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ये आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है। किस राज्य के बजट में ग्रीन हाइड्रोजन हब की स्थापना की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का केरल, सी ऑप्शन। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है केरल। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की। उत्तराखंड की बात करें, भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तरकाशी में बनाया जाएगा नीदरलैंड की सहायता से। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया। केरल की बात करें तो केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया। केरल की सरकार ने सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इसको स्टार्ट किया। केरल की सरकार ने वन स्कूल वन IAS स्कीम इसको स्टार्ट किया। केरल की सरकार ने ही स्नेकपीडिया ऐप इसको स्टार्ट किया और केरल की सरकार ने कुंज ऐप इसको स्टार्ट किया। अब केरल की लोकेशन देखिए आप, ये है केरल की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें, कर्नाटक तमिलनाडु दो राज्यों के साथ बाउंड्री इसकी शेयर होती है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तिरुवनंतपुरम कैपिटल है, पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं, आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं। 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। 14 जिले हैं, लोकसभा की 20 सीट, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141 सीटें हैं। भारत का मसालों का बगीचा ये केरल राज्य को कहा जाता है। अस्तमुड़ी लेक, पेरे लेक, वेमर लेक, पैरावोर लेक, चारों लेक केरल में स्थित हैं। कोची में इसकी हाई कोर्ट है जहाँ पर केरल और लक्षद्वीप दोनों की जुरिस्डिक्शन इसी के अंतर्गत आती है। एस मणिकुमार यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेशनल पार्क की बात करें, इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनमुडी शोला नेशनल पार्क, वेनड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चेन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये बात करी हमने केरल के बारे में। सेकंड क्वेश्चन, फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो ये है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन। महाराष्ट्र सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है। असम की सरकार ने मैत्री योजना स्मार्ट थाने बनाने के लिए इसको स्टार्ट किया था। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन इसको स्टार्ट किया और महाराष्ट्र की सफ़ेद प्याज को GI टैग दिया गया है। गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना इसको स्टार्ट किया। महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये महाराष्ट्र की लोकेशन है, ये देखिए आप, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, इन राज्यों के साथ महाराष्ट्र की बाउंड्री शेयर होती है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मुंबई कैपिटल है, 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। बॉम्बे में इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय बी गंगोरवाला। महाराष्ट्र, गोवा और DNHDD इन तीनों की जुरिस्डिक्शन ये बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है। लोना लेक, वीना लेक दोनों लेक महाराष्ट्र में है। कोयना डैम जो कोयना रिवर के ऊपर है इसे लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। मूला डैम, उज्जैन डैम ये भीमा रिवर के ऊपर है इसलिए इसे भीमा डैम कहा जाता है। जयकवाड़ी डैम। अब बात करते हैं जिले की। 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, गोगोमल नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, तदुबा अंधरी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नबेगांव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। तो ये बात करी हमने महाराष्ट्र की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन, झारखंड के गोड्डा बिजली संयंत्र से किस देश को बिजली आपूर्ति की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बांग्लादेश, बी ऑप्शन। बांग्लादेश थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है। अमेरिका की कैपिटल Washington DC है, US डॉलर करेंसी है प्रेजिडेंट जो बाइडन। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, करेंसी यूरो है प्रेजिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है, डेनिस क्रोन करेंसी है प्रेजिडेंट मैटे फ्रेडरिक्सन। अब यहाँ पे बांग्लादेश की बात हुई है लेकिन पहले झारखंड की बारे में बात कर लेते हैं। ये लोकेशन है झारखंड की। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार इन राज्यों के साथ झारखंड की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। रांची कैपिटल है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, रमेश बाईस राज्यपाल हैं। 15 नवंबर 2000 में फॉर्मेशन हुई थी। 24 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 6, विधानसभा की 81 सीटें हैं। रांची में इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अपरेश कुमार सिंह। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, UP इन राज्यों के साथ झारखंड की बाउंड्री शेयर होती है। अब ये बांग्लादेश की लोकेशन देखिए आप, ये बांग्लादेश है, कैपिटल ढाका है, यही लार्जेस्ट सिटी है। बांग्लादेशी टका करेंसी है अब्दुल हमीद, राष्ट्रपति हैं शेख हसीना, प्रधानमंत्री हैं।
अब भारत के वो राज्य जो बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, पश्चिम बंगाल एक, आसाम दो, मेघालय तीन, त्रिपुरा चार, चार ये हो गए, और पांचवा राज्य कौन सा है? मिजोरम। ये पांच राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, फिर से कवर करते हैं। पश्चिम बंगाल एक हो गया, आसाम दो हो गया, मेघालय तीन हो गया, त्रिपुरा चार हो गया और मिजोरम पाँच हो गया। तो ये पाँच राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन, याया सो झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जिसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये कहाँ पर है? ये लद्दाख में है, डी ऑप्शन लद्दाख फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने बाजरा मिशन इसको स्टार्ट किया। अब लद्दाख की लोकेशन देखिए, ये है लद्दाख की लोकेशन, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, तो दो के साथ बाउंड्रीज की शेयर होती है, और पाकिस्तान और चाइना इन दोनों के साथ भी ये अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। अब लेह इसकी कैपिटल है, राधा कृष्ण माथुर यानी आर के माथुर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है, दोनों एक साथ यूटी बनाए गए थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ की कॉमन हाईकोर्ट है जिसका नाम अभी चेंज कर दिया गया था, हाईकोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं ताशी रबस्तान, सियाचिन ग्लेशियर ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये कहाँ पर है? तो सियाचिन ग्लेशियर ये लद्दाख में स्थित है, ये भी आप याद रखेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, किस देश ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ये किसने मनाया? ये बनाया श्रीलंका ने, डी ऑप्शन श्रीलंका फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है, प्रेजिडेंट है मोहम्मद बिन मोहम्मद अब्दुल हमीद। इजिप्ट की कैपिटल कायरो है, इजिप्टियन पाउंड करेंसी है, प्रेजिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी। ये अभी जो 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था उस मौके पर ये चीफ गेस्ट थे। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, करेंसी और है, प्रेजिडेंट है पेड्रो सैंचेज। अब बात श्रीलंका की हुई है तो आप लोकेशन देखिए श्रीलंका की, ये है श्रीलंका की लोकेशन, इसकी कैपिटल श्री जयवर्धने पूरा कोटा, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है, कोलंबो इसकी जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, कोलंबो लार्जेस्ट सिटी है, श्रीलंकन रूपी करेंसी है, प्रेजिडेंट है रानिल विक्रम सिंघे और प्रधानमंत्री है दिनेश गुनावर्दना। तो ये बात करी हमने श्रीलंका के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? कि 2024 में लॉन्च किया जाएगा, बी ऑप्शन 2024। सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। अब जीके की जो हमारी क्लास चल रही है, सीरीज चल रही है, उसकी क्लास सेवन्थ है ये। शिपकिला पास इज द मेन पास ऑफ विच इंडियन स्टेट? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हिमाचल प्रदेश। 40वां क्वेश्चन, बुकारेस्ट इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो ये रोमानिया की कैपिटल है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। विच डे सेलिब्रेटेड एज एनवायरमेंट डे? आंसर हो जाएगा 5 जून। विक्टोरिया मेमोरियल इज सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? कोलकाता सही आंसर है। ब्रिज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? जिनेवा सही आंसर है। आइजोल इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? मिजोरम सही आंसर है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।